इस सेशन के आउटलाइंस में स्टर्नम और नैरो बाय ऑफ सी सर्वाइकल रिब एक्सियन यानी कि थोरेसिक वॉल से रिलेटेड क्लिनिकल्स हैं, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन है जिसमें ट्रोमेटिक इंजरी टू थॉरेक्स है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्लिनिकल्स इसमें कुछ भी जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, और एक आध क्लिनिकल आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है, इस ब्लॉक के पेपर में, एनाटमी के पोर्शन में। इवन जहाँ मैंने जॉब इंटरव्यू दिया था उसमें भी जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे थॉरिक से क्लिनिकल्स पूछे थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट सेकेंड ईयर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स देते हो उनमें भी। उसके अलावा इसमें से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, नीडल थोरेकोटमी, ट्यूब थोरेकोस्टमी, नीमोथोरिक्स, एम्पायमा प्लूरल इफ्यूजन, और उसके बाद कॉरोनरी आर्टरी डिजीज एंड पीडीए, ठीक है। ये सब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं। उसके अलावा है सभी इंपॉर्टेंट, मैंने डाले, कुछ स्किप किए हैं वो आप लोग खुद पढ़ के पूछेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो क्लिनिक है, क्लिनिकल नोट है, वो है स्टर्नम एंड मैरो बायोप्सी, ठीक है। आपको पता है कि स्टर्नम जो है सबक्यूटेनियस है, यानी आप इसको स्किन के नीचे फील कर सकते हो पूरी इसकी लेंथ में। रिब्स की तरह इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वेस्क्यूलर कैंसिलस या स्पॉन्जी बोन होती है, जिसके बाहर बहुत ही थिन कॉम्पैक्ट या आउटलाइन वाली बोन होती है। इसके अंदर जो बोन मैरो होता है वो रेड मैरो होता है, हिमेटोपोइटिक, ठीक है। बच्चों, बोन मैरो की दो टाइप्स होती हैं, एक रेड मैरो होता है, येलो मैरो। येलो मैरो वो होता है जो एक टाइम पीरियड ऑफ लाइफ पे ब्लड प्रोड्यूस करता है लेकिन बाद में नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ फैट होता है। लेकिन रेड जो हेमेटोपोएटिक मैरो होता है वो थ्रू आउट लाइफ ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी और चेस्ट के अंदर शैलो डेप्थ की वजह से स्टर्नम का आपको ये फायदा होता है, इतनी शैलो होती है कि आप इसको नीडल से पंक्चर करो तो जो अंडरलाइंग विसरा है वो डैमेज नहीं होंगे। इसलिए अक्सर बोन मैरो बायोप्सी करने के लिए यहाँ से सैंपल लिया जाता है, ठीक है। और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, स्टर्नल पंक्चर। तरीका क्या है कि लोकल एनेस्थीजिया दो, स्किन की नर्व्स को एनेस्थेटाइज करो, ठीक, एक बड़े बोर वाली नीडल इंसर्ट करो और मैरो सक आउट कर दो, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। देखें कि जैसा बोन मैरो है वो सारा इस प्लंजर के अंदर फिल हुआ हुआ है। अच्छा, स्टर्नम का एक और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है इसकी, के जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, उसमें इसको ओपन किया जाता है, ठीक है। इस पिक्चर में देखें कैसे स्टर्नम को मिड लाइन से स्प्लिट किया गया, और इस तरह ओपन हार्ट सर्जरी में ये व्यू होता है सर्जरी का। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये रिट्रैक्टर्स हैं, ये इंजर्ट किए जाते हैं, इस स्क्रू के थ्रू इसको खोला जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको चेस्ट, क्योंकि कार्टिलेजेस होती हैं तो उसमें इतनी स्पेस होती है कि आप इसको ओपन अप कर सकते हो, तो इसकी वजह से इसको आप चेस्ट को खोल सकते हो, आपको क्लियर हार्ट का व्यू मिल जाता है और आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो। सर्वाइकल रिब जो है एक एडिशनल रिब होती है, ठीक है। नॉर्मली ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन 0.5% ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में ही होती है। अब ये आती कहाँ से है, ये जो सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से ही अराइज करती है। इसका इंटीरियर एंड जो है ये वाला, ठीक है, ये बैक व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, इंटीरियर व्यू है, ये स्टर्नम आगे है, ठीक है। यानी कि ये बैक साइड से ओरिजिनेट हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम से। यहाँ से अब इसका इंटीरियर एंड फ्री भी हो सकता है और फर्स्ट रिब के साथ किसी फाइब्रस बैंड के थ्रू अटैच्ड भी, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इसके मौजूद होने की वजह से जो स्ट्रक्चर्स यहाँ से, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट करके लिम्स में जा रहे हैं, उन पे ये प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है, ठीक है। और उसमें नर्व्स भी हैं और वेसल्स भी। अच्छा, क्वेश्चंस हैं कि जब चेस्ट को क्लोज करते हैं तो स्टर्नम के स्प्लिटेड एंड फ्यूज हो जाते हैं। बच्चे, स्टर्नम को जो है ना अप्रोक्सीमेट करके ना उस पर स्टील के क्लिप्स लगाए जाते हैं, स्टेपलर की तरह की पिन्स होती हैं, उससे होल्ड कर देते हैं, उसके बाद उसकी हीलिंग हो जाती है। लेकिन स्किन के ऊपर का स्कार रहता है, और जो स्कार होता है ना कटिंग का, वो रह जाता है, स्कार ख़त्म नहीं होता लेकिन बोन फ्यूज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल रिब की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि ये लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस पे प्रेशर इंजर्ट करती है, ठीक है।
और इसी वजह से मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म पे पेन होता है। अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सस याद होगा तो उसमें आपको याद होगा कि लोअर ट्रंक कौन बना रहे थे, रूट C8 to T1, ठीक है, इनसे बना था लोअर ट्रंक। और आगे इसकी मेन ब्रांचेस, ठीक है, जो मीडियल कॉर्ड बना रही थी, लोअर ट्रंक की ज़्यादा जो ब्रांचेस हैं वो मीडियल कॉर्ड में थी और वो अल्ना नर्व थी। तो आप इससे याद रखिएगा कि सर्वाइकल रिब क्योंकि लोअर ट्रंक पे प्रेशर डालती है, इस वजह से इसमें मीडियल साइड ऑफ द आर्म में पेन होता है और मीडियल साइड ऑफ द हैंड के मसल्स की वेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा ये सबक्लेवियन आर्टरी पे भी प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है, जिसकी वजह से अपर लिम्ब की सर्कुलेशन इम्पैक्ट होती है। इस वाली पिक्चर में देखेंगे, देखिए एक एक्स्ट्रा रिबिक आ रही है जो कि प्रेशर एग्जर्ट करेगी यहाँ पर। और एक्स्ट्रा में देखें, ये जो है ये एक्स्ट्रा रिब्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मल रिब्स है ना वो येलो है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। रिब एक सीएन क्या है? अब थोरेसिक कैविटी में इंटर होने के लिए रिब को एक्साइज करना या कट करना जरूरी है। तरीका क्या किया जाता है कि अगर ये रिब है ना, ठीक है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ वाइज एक्सियन की जाती है इसकी पेरियोस्टियम यानी कि बाहर की कवरिंग की तरफ, और रिब का सेगमेंट रिमूव किया जाता है, यानी जैसे एक समझे कि हम इस पीस को एक्साइज करके बाहर निकाल दूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल इंसियन कहाँ किया जाता है? बेड ऑफ रिब में। बेड ऑफ रिब इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप साइड से देखें रिब को, ठीक है, सर्जन ने इस तरह करके स्लाइस करके एक सेक्शन रिमूव कर लिया, अब ये जो हिस्सा नीचे बच गया है ना ये वाला, इसको बेड ऑफ रिब कहेंगे, ठीक है। वो क्या होती है? इनर कवरिंग ऑफ पेरियोस्टियम। अच्छा, अपने प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जब ये रिब इसी तरह छोड़ दी जाती है, ये खुद ही रीजनरेट करके कंप्लीट रिब वापस बना लेती है। और ये एक्स्ट्रा रिब जो है ना, जो सर्वाइकल रिब में पड़ा था, ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, ठीक है, स्टर्नम के करीब भी नहीं होती, ये काफ़ी ऊपर होती है। तो ये अटैच हो भी तो, वैसे ज़्यादातर फ्री एंड होता है इसका इंटीरियर एंड, अटैच हो भी तो ये फर्स्ट रिब के साथ अटैच होती है, वो भी थ्रू फाइब्रस बैंड, ठीक है। बच्चों हम क्या बात कर रहे थे, जैसे ये रिब है, अगर सर्जन्स क्या करते हैं इसमें से ऐसे स्लाइस लेकर कट कर देते हैं ना, जो थोड़ा सा निचला हिस्सा है ना उसको छोड़ देते हैं, इसको कहते हैं बेड ऑफ रिब। इसमें से रिब वापस रिपेयर हो जाती है, यानी कि इसका फ़ायदा होता है ना कि आप ऊपर से अगर स्कूप आउट कर दो पोर्शन को तो आपको रास्ता जगह ज़्यादा मिल जाती है। आप थोड़ा सा जैसे आप प्लांट्स की कटिंग करते हो, आप स्टेम्स काट देते हो, रूट छोड़ देते हो, वो दोबारा ग्रो कर जाता है ना, इसी तरह अगर आप बेड ऑफ पेरियोस्टियम छोड़ दो तो रिब दोबारा ग्रो कर जाएगी। अच्छा, थोरेसिक केज डिस्टॉर्शन क्या है? थोरेसिक केज की जो नॉर्मल शेप है वो डिस्टॉर्ट भी हो सकती है अगर रिब्स की या वर्टिब्रल कॉलम की एबनॉर्मेलिटीज हो, ठीक है। इनमें एक जो डिसऑर्डर है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक जो यहाँ आपकी बुक में मेंशन था वो था स्कोलियोसिस। इसमें क्या होता है, आप देखिए कि वर्टिब्रल कॉलम किस तरह की स्कोलियोसिस को वैसे याद रखेंगे, देखिए एस के जैसी शेप बन गई है इसकी, और ये थोरेसिक स्कोलियोसिस है। इसके अलावा लंबर रीजन में भी होता है ये, ठीक है, लंबर रीजन ऐसे एस के जैसा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, लेकिन ये कि स्कोलियोसिस आपको पता होना चाहिए आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा, थॉरिक्स की ट्रोमेटिक इंजरीज में सबसे, ये सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरीज हैं और सबसे ज़्यादा होती किस वजह से? ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स यानी कि कार एक्सीडेंट्स की वजह से, क्योंकि जो स्टेयरिंग व्हील होता है वो अक्सर चेस्ट पे इम्पैक्ट करता है आकर, इस वजह से इंजरीज ज़्यादा होती हैं। पहली इंजरी इसमें स्टर्नम फ्रैक्चर है। स्टर्नम वैसे तो एक मतलब इलास्टिक टाइप स्ट्रक्चर है और इसकी जगह भी ऐसी है कि मतलब दाएं बाएं इसके मसल्स का कवर मौजूद है। उसके अलावा रिब्स के साथ भी कोस्टल कार्टिलेजिस से अटैच है जो कि इलास्टिक है, इसलिए इसके फ्रैक्चर होने का चांस कम होता है, लेकिन जब कभी हो तो कब होता है? ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में, ठीक है। अब क्योंकि हार्ट स्टर्नम के डायरेक्टली पीछे लाया करता है, इसलिए स्टर्नम में फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है, हार्ट पे जो है वो कंट्यूजन या ब्रूजिंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ है रिब कंट्यूजन, बच्चे पहले कंट्यूजन वर्ड को समझ लें। ये जो ब्रूज पड़ना होते हैं ना, जो निशान पड़ जाते हैं, इसको कहते हैं कंट्यूजन होना, स्किन के नीचे जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब रिब की ब्रूजिंग किसी भी ट्रॉमा की वजह से होना सबसे कॉमन रिब की इंजरी है, ठीक है।
यानी कि इस तरह स्किन के नीचे आपको नजर आएगी, क्योंकि रिब्स सबक्यूटेनियस है ना, स्किन के साथ साथ है, इसलिए रिब में किसी भी किस्म का ट्रॉमा होने का मतलब है कि स्किन के नीचे ब्लड अकोमोलेट हो जाएगा। जब इस कंडीशन में अक्सर ये भी होता है कि जो पेरियोस्टियम है ना, बोन की आउटर कवरिंग, उसके अंदर जो वेसल है ना, जो पेरियोस्टियम को या रिब की बोन को सप्लाई कर रही है, बोनी पोर्शन को, वो रप्चर होके ब्लड क्लॉट बना देती है। ठीक है। अच्छा, रिब के जो फ्रैक्चर्स है ना बच्चों, वो कॉमन चेस्ट इंजरी है। बच्चों में रिब के फ्रैक्चर्स लीस्ट कॉमन है। वजह ये है कि बच्चों की रिब्स इतनी ज़्यादा इलास्टिक होती हैं कि अगर उन पर कंप्रेशन हो भी तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होने का नुकसान ये है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर चेस्ट पे पड़ेगा तो जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स है ना, वो इम्पेक्ट हो सकते हैं, जिसमें लंग्स और हार्ट है। ठीक है। बढ़ती एज के साथ साथ जो रिब केज है वो रिजिड होता जाता है। वजह क्या है? कैल्शियम का डिपॉजिट होना, और कैल्शियम सिर्फ बोन्स में ही नहीं, कोस्टल कार्टिलेज में भी डिपॉजिट होता है। ठीक है। उस टाइम क्या होता है, रिब्स जो है वो ब्रिटल हो जाती हैं। ब्रिटल ऐसे स्ट्रक्चर कहते हैं जो इतना रिजिड हो कि वो इजीली क्रैक हो जाए। ठीक है। फिर क्या होता है कि रिब्स अपने वीकेस्ट पार्ट पे ब्रेक होना शुरू हो जाती है। वो कौन सा होता है? रिब्स का वीकेस्ट पार्ट उनका एंगल होता है, जहाँ वो ऐसे करके टर्न हो रही होती है ना मुड़ने के लिए, वो उनका एंगल सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है। अब ज़्यादा वो वाली रिब्स फ्रैक्चर होती हैं जो एक्सपोज या बहुत ज़्यादा सामने है, या फिर फिक्स्ड है, यानी कि मोबाइल नहीं है। और सबसे कॉमनली फ्रैक्चर रिब कौन सी है? रिब 5, 6, 7, 8, 9, 10। वजह ये है कि पहली वाली जो चार रिब्स हैं वो पेक्टोरल मसल्स के अंडर हैं, और नीचे वाली जो दो रिब्स हैं वो फ्लोटिंग है, मूवेबल है, तो वो ट्रॉमा में मूव कर जाती हैं, फिक्स नहीं रहती। इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख लें कि अगर एक गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आप साइड पर हो जाते हैं, आपको हो सकता है मिनिमम चोट लगे या लगे ही ना, लेकिन अगर आप उस जगह पर फिक्स रहेंगे तो डेफिनेटली गाड़ी ने आकर आपको टकरना है। तो ये बात इन रिब्स की है, क्योंकि अपनी जगह पर फिक्स्ड है, ट्रॉमा के टाइम ये मोबाइल होकर कहीं इधर उधर मूव नहीं कर सकती, इसलिए सबसे ज़्यादा इंजर्ड ये होती हैं। ठीक है। अब उसके अलावा जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी कोई रिब फ्रैक्चर होती है, उसका जो ब्रोकन पोर्शन है ना, शार्प सा, वो लंग को पंक्चर कर सकता है, और इस वजह से जो कंडीशन होती है उसको न्यूमोथॉरिक्स कहते हैं, यानी कि प्लूरल कैविटी के अंदर एयर लंग से टिश्यू से लीक आउट होकर प्लूरल कैविटी के अंदर अकोमोडेट हो जाती है। अब रिब फ्रैक्चर का सिम्टम क्या है? स्वेयर लोकलाइज्ड पेन, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पर शदीद किस्म का दर्द होता है। ठीक है। और जो इंटरकोस्टल नर्व्स है ना, ऊपर और नीचे की, वो हर रिब को क्योंकि नर्वेट कर रही होती हैं, इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका पेशेंट इजीली ब्रीथ करे रिब फ्रैक्चर के बाद, तो उन नर्व्स को ब्लॉक करना पड़ता है, यानी कि एनेस्थीजिया देना पड़ता है। हम ये करते हैं कि लिग्नोकेन इंजेक्शन होता है, जो लोकल एनेस्थीजिया कहते हैं कि सुन कर देता है उस हिस्से को जहाँ लगे, तो हम वो फ्रैक्चर रिब के ऊपर और नीचे लगा देते हैं ताकि वहाँ पे पेन की सेंसेशन ख़त्म हो जाए और पेशेंट आराम से सांस ले सके। अगर मतलब आपको पेन हो रही है सांस लेने से भी, तो आपकी ब्रीदिंग इंपैक्ट होगी ना, पेशेंट डर के मारे सांस नहीं लेगा और मज़ीद ख़राबियाँ होंगी, तो इसलिए उसको एनेस्थेटाइज कर देते हैं। ठीक है। इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कैसे नीडल इंसर्ट करके किस लेवल तक जाना। देखिए, ये जो इस तरह की पिक्चर बनी है ना, इसमें जो येलो है ना, वो क्या चीज़ है? वो इंटरकोस्टल नर्व है। यहाँ पर इस वाले लेवल में, न्यूरोवेस्कुलर बंडल में, ड्रग इंसर्ट किया जाता है, इसको एनेस्थेटाइज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रोमेटिक इंजरी है चेस्ट की, जिसको हम फ्लाइल चेस्ट कहते हैं। ठीक है। अक्सर ये होता है कि जो क्रश इंजरीज होती हैं उसमें एक से ज़्यादा रिब्स टूट जाती हैं एक साथ। ठीक। अगर ये एक ही साइड पे हो तो कहाँ होगी? या तो रिब अपने एंगल यानी कि वीकेस्ट पॉइंट पे टूटेगी, या फिर वहाँ जहाँ कॉस्टोकोंड्रल जंक्शन है, यानी ठीक है, यानी कि जहाँ पर कार्टिलेजेस और रिब का जंक्शन, कॉस्टोकोंड्रल जंक्शन। इस वजह से क्या होगा? फ्लाइल चेस्ट, यानी कि एक ऐसा चेस्ट का सेगमेंट होगा जो बाकी की चेस्ट वॉल से डिसकनेक्टेड होगा। पहले रिकॉल कर लेते हैं कि जब भी हम इंस्पायर करते हैं, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो हमारी चेस्ट बाहर की तरफ मूव करती है ताकि लंग्स को अकोमोडेट कर सके, और जब हम एक्सपायर करते हैं, सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो हमारी चेस्ट श्रिंक करती है ताकि लंग्स पे पैसिव प्रेशर देकर ब्रेथ को आउट किया जा सके। ठीक है। अगर कोई चेस्ट का पोर्शन डिसकनेक्ट हो जाता है इंजरी की वजह से, तो अब वो
उस तरह थॉरिक्स के साथ बाकी थोरेसिक वॉल के साथ मूव नहीं करता, तो उस वाले सेगमेंट को हम फ्लाइल सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि फ्रैक्चर जो है वो स्टर्नम के दाएं बाएं साइड पे हो। वैसे तो ये है ना कि रिब्स की दो तरफ हो, तो ये भी हो सकता है कि स्टर्नम जो है ना इसकी दोनों साइडों पे फ्रैक्चर हो जाए, फिर स्टर्नम बाकी डिस्क से डिस्कनेक्टेड हो जाती है। उस केस में स्टर्नम फ्लाइल होगी, ठीक है। फ्लाइल मतलब डिस्कनेक्टेड है जो। अब जो फ्लाइल सेगमेंट है ना, ब्रोकन सेगमेंट, वो पैराडॉक्सिकल यानी कि ऑपोजिट मूवमेंट करता है। वो इंस्पायरेशन में अंदर आता है और एक्सपायरेशन में बाहर जाता है, जैसे जबकि नॉर्मल में ये चीज़ उल्टी होती है, ठीक है। बैक ऑफ चेस्ट में इंजरी इसलिए होगी क्योंकि वर्टिपल कॉलम के साथ रिब्स अटैच हैं, इसी वजह से, ठीक है। अपर जो 7 रिब्स हैं वो तो स्कैपुला के अंदर हैं, तो उनमें चांस कम है, लेकिन लोअर रिब्स के साथ बैक ऑफ चेस्ट की इंजरी कंसीडरेबल है, ठीक है। उसके अलावा ये कि अपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो चेस्ट के ज़्यादा करीब हैं, जिसमें लिवर, स्टमक और स्प्लीन है, ये भी रिब केज के ट्रॉमा की वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी निप्पल लाइन से नीचे की जो इंजरी है वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए कि देखेंगे अगर ये, जैसे एग्जाम्पल देते मैं आपको, कि ये डायफ्राम है, इसके नीचे क्या है, यहाँ पर लिवर है, इस जगह पर स्टमक है, ठीक है, यहाँ पर स्प्लीन है, ऊपर क्या है, ऊपर सारे चेस्ट है आपकी, ठीक है। अगर ये कोई भी फ्रैक्चर होता है रिब का, तो ये अक्सर इसको भी रप्चर कर सकता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी बच्चों, अच्छा अब रिब्स जो भी हैं इनके फ्रैक्चर होने से ये भी हो सकता है कि रिब एक जो है वो डायफ्राम के नीचे से जो है ना मौजूद स्ट्रक्चर्स को रप्चर कर सके, इसलिए जो लोअर चेस्ट है ना उसके ट्रॉमा में एब्डोमिनल विस्ट्रा का इन्वॉल्व हो जाना कॉमन है, ठीक है। स्प्लीन खासतौर पर रप्चर हो जाती है क्योंकि बहुत फ्रिजाइल होती है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ठीक है। आपको ये तो पता है ना, ब्रेकियल प्लेक्सस की जो नर्व्स हैं वो और सक्लेरिन आर्टरी वेन, ये सब जो है ये फर्स्ट रिब और क्लेविकल के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं। अब थोरेसिक आउटलेट, आउटलेट इस वाले रीजन को स्नेल ने इसलिए कहा है क्योंकि चेस्ट के अंदर से वेसल्स यहाँ से बाहर की तरफ एग्जिट कर रही हैं, फिर चाहे वो हेड में जाएँ चाहे वो अपर लिम में जाएँ। बाकी ऑथर्स इसको इनलेट लिखते हैं क्योंकि थॉरिक्स में दाखिल होने का रास्ता है, लेकिन स्नेल इसको आउटलेट इसलिए लिखता है कि यहाँ से वेसल्स बाहर जा रही हैं। तो हम स्नेल पढ़ते हैं, हम स्नेल को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अब स्नेल के हिसाब से ये थोरेसिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है इसलिए कि यहाँ पर ये होता है कि क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान एबनॉर्मली कम स्पेस होती है, ठीक है। इस वजह से जो ये स्ट्रक्चर इनके दरमियान से गुजरने हैं ना, जिनमें सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन और ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व्स हैं, उन पे कंप्रेशन आता है। उसकी वजह से क्या होता है, मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म पे पेन होता है और हैंड के मसल्स वेस्ट हो जाते हैं। मीडियल साइड पे इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा जो है लोअर ट्रंक कंप्रेस होता है पोजिशन की वजह से, ठीक है, जो उसकी एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन है ना उसकी वजह से। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि ब्लड वेसल्स जो है ना उनका भी प्रेशर कॉम्प्रोमाइज हो, सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो इस कंप्रेशन की वजह से। जैसे यहाँ इस पिक्चर में देखें कि ये यहाँ पर देखें गैप कितना थोड़ा रह गया है, तो स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके दरमियान सैंडविच बने हुए हैं, बिल्कुल प्रेस हुए हैं, तो इस वजह से इम्पैक्ट होंगे इन पे, प्रेशर आएगा जब ये अपर लिम की तरफ जाएंगे और इसका पेन आपको अपर लिम के अंदर फील होगा, ठीक है। और ये जो एबनॉर्मली कम स्पेस है ना, ये कंजेनिटली होती है, ठीक है, ये एक्वायर्ड नहीं है कि बाद में हो जाए फ्रैक्चर के बाद। हाँ, फ्रैक्चर अगर सही हील नहीं होता तो भी हो सकती है, लेकिन ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है ये एबनॉर्मेलिटी। वैसे अच्छा, हिकअप क्या चीज़ है जिसको आप हिचकी कहते हैं? ये इनवॉलेंट्री स्पजमोडिक कंट्रेक्शन है डायफ्राम की। इसमें साथ क्या होता है, आपके कंट्रेक्शन डायफ्राम की होती है लेकिन वोकल कॉर्ड्स की अप्रोक्सीमेशन यानी एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है ना, तो उसकी वजह से आवाज़ आती है इसकी। वैसे तो ये नॉर्मल है ना खाना खाने के बाद हो जाना, क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है स्टमक की, लेकिन कुछ डिजीज़ेस हैं जो मुसलसल डायफ्राम को इरिटेट करती हैं ना, उनमें हिकअप्स बंद ही नहीं होते। जैसे उनमें प्लूराइसी है यानी कि प्लूरा ऑफ लंग्स की इन्फ्लेमेशन, पेरिटोनाइटिस है जो आप कह लें कि आउटर कवरिंग है एब्डोमिन की उसकी इरिटेशन, या पेरिकार्डियम की इरिटेशन, या यूरिमिया। यूरिमिया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में
जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं ना, आपको पता है ना, टॉक्सिक होते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये डायफ्राम को इरिटेट करती हैं ना, इस वजह से हिकअप्स उस लोगों में होते रहते हैं। ठीक। अच्छा, स्किन इनर्वेशन ऑफ चेस्ट वॉल और रेफर्ड पेन, इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। समरी ये है कि आपको पता है कि सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो हैं वो एंटीरियर चेस्ट वॉल को स्टर्नल लेवल तक, यानी कि शोल्डर वाले रीजन तक इनर्वेट कर रही होती हैं। ठीक है। अब इस लेवल के नीचे एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस जो हैं वो इस तरह सप्लाई करती हैं कि ओब्लीक होती हैं, यानी कि जो चेस्ट है ना उस पर इनर्वेशन इस तरह है कि ऊपर जो डर्माटोम्स हैं वो स्ट्रेट हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाओ तो वो डर्माटोम ओब्लीक होते जाते हैं। ठीक है। जो 7 से 11 इंटरकोस्टल नर्व्स है ना, वो जो थोरेसिक वॉल से निकलती हैं और अब्डोमिनल वॉल में इंटर होती हैं सप्लाई करने के लिए, इसी वजह से जब कोई डिजीज थोरेसिक वॉल के अंदर होगी तो उसका पेन अक्सर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में भी फील होता है। जैसे अगर पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, यानी कि लंग्स के अंदर कोई थ्रोम्बस या क्लॉट बनना या निमोनिया है, उसका पेन एब्डोमिन में और एब्डोमिनल वॉल में भी फील हो सकता है। तो इस चीज़ को हम रेफर्ड पेन कहते हैं कि एक जगह का पेन दूसरी जगह रेफर होकर फील होना। ठीक है। इसमें एक टर्म है पेरिटोनाइटिस, से देखें पेरिटोनियम, जैसे हार्ट की पेरिकार्डियम और लंग्स की प्लूरा होती है ना बच्चों, ऐसे एब्डोमिनल विस्रा की कवरिंग को पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है। इस वाली पिक्चर में देखें, ये देखिए ये वाले सारे डर्माटोम स्ट्रेट हैं, लेकिन यहाँ से नीचे जाते जाते देखें, देखिए रिब्स तो यहाँ ख़त्म हो गई ना इस लेवल पर, इससे नीचे डर्माटोम्स हैं वो ऑब्लीक और एब्डोमिन में जा रहे हैं, इस वजह से इनके थ्रू पेन जो थॉरिक्स का है ना वो एब्डोमिनल वॉल में भी जा सकता है। अब थॉरिक्स का पेन एब्डोमिनल वॉल में होना इज रेफर्ड पेन। ठीक है। अच्छा, हर्पीज जोस्टर ये है बच्चों के कुछ, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस का नाम है। ठीक है। ये वायरस वो है जो चिकन पॉक्स करता है। ठीक है। अब चिकन पॉक्स वैसे तो आपकी इम्यूनिटी से ही हील हो जाता है, लेकिन अक्सर ये आपकी नर्व्स के अंदर जाकर डोरमेंट हो जाता है, मतलब कि छुप कर वीक होकर बैठ जाता है। फिर कभी लाइफ टाइम में, खासतौर पर जब इम्यूनिटी कम हो या एल्डरली बूढ़े लोगों में, ये दोबारा अपीयर हो जाता है। लेकिन उस टाइम ये चिकन पॉक्स पूरी फुल फ्लेज बॉडी पे नहीं होता, जिस नर्व में जाकर ये डोरमेंट हुआ था, छुपा था, उस नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में अपीयर हो जाता है, लेकिन स्किन डिजीज बनकर, सिर्फ स्किन का एक हिस्से को। अब आप इस पिक्चर में देखिए और इसे पीछे वाली पिक्चर देखिए, आपने देख लेना डर्माटोम्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ऑब्लीक तो देखिए कि ये भी अपीयर हो गया इस पे। ठीक है। अच्छा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का कॉरोनरी आर्टरी डिजीज ट्रीटमेंट में क्या रोल है, इसके वैसे तो आपको समरी बताऊंगी बच्चों, क्योंकि हमारे जो आरईएस का एग्जाम होता है ना उसमें क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी दो वेसल्स है जिनको ओपन हार्ट सर्जरी में ग्राफ्ट लगाने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है। उनमें दो वेसल्स आती हैं, ग्रेट सेफनस वेन, हम लोअर में पढ़ चुके हैं वो, और उसके अलावा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। जब ग्रेट सेफनस वेन पढ़ाई थी तो भी मैंने कहा था कि आपको रिकॉल करवाऊंगी थॉरेक्स के साथ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सी दो वेसल्स हैं जिनको ओपन हार्ट सर्जरी में या कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में यूज़ किया जाता है, तो आप बताएंगे एक आर्टरी है जिसका नाम है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और एक वेन है जिसका नाम है ग्रेट सेफनस वेन। नीडल थोरेकोस्टमी क्या है बच्चों? अच्छा, ऑस्टमी और कुछ वर्ड्स हैं ऑटमी, इनमें डिफरेंस है। जैसे थोड़े कॉस्टमी जो वर्ड है ना बच्चों, उसका मतलब होता है ओपनिंग बनाना। ठीक है। जहाँ कहीं भी ये सुफिक्स यूज होगा ना ऑस्टमी, इसका मतलब होता है कि उस कैविटी या उस स्ट्रक्चर के अंदर ओपनिंग बनाना। ठीक है। और जहाँ एक्टमी वर्ड यूज होता है ना, एक्टमी, उसका मतलब होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर देना। जैसे यहाँ नीडल थोरेकोस्टमी वर्ड है, इसका मतलब है नीडल से थोरेक्स के अंदर रास्ता बनाना। इसी तरह एक वर्ड यूज होता है, इसको कहते हैं हम अपेंडिसेक्टमी, जिसका मतलब होता है अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव कर देना। डेफिनेटली आप लोगों में से भी किसी की हुई होगी, एक आध बंदे की जरूर। ठीक है। नीडल थोरेकोस्टमी ये है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर ओपनिंग बनाना और उसको मेंटेन करना नीडल के जरिए। इससे ये क्या फ़ायदा होता है कि जिन लोगों को टेंशन न्यूमोथोरिक्स होती है ना, यानी कि जिनकी
प्लूरल कैविटी में एयर अंडर प्रेशर इंसर्ट हो जाती है उसको, या फिर ब्लड या पस जो अकोमोलेट हो जाती है प्लूरल कैविटी में उसको ड्रेन किया जा सके। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इसको सक आउट कर लो जो एक्स्ट्रा चीज़ जमा हुई हुई है प्लूरल कैविटी में, तो लंग्स सही तरह एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अक्सर डिजीज़ में जैसे कि टीबी है, प्लूरल इफ्यूजन है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लूड अकोमोलेट हो जाता है विसरल और पेराइटल प्लूरा के दरमियान, उसको आप ड्रेन करके उसका लेबॉरेटरी में टेस्ट कर सकते हो डिजीजेस के डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, अब नीडल से थॉरेक्स में इंटर होने के क्या क्या रास्ते हैं। पहला इंटीरियर अप्रोच है कि फ्रंट से जाओ, पेशेंट को स्पाइन पोजिशन में लिटाया, स्टर्नल एंगल को आइडेंटिफाई किया, आपको पता है एक रिज की तरह होता है जहाँ मिनिमरियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम का जंक्शन है, उसके बाद वहीं से लेटरल गए तो सेकेंड पोस्टल कार्टिलेज पे आ गए, फिर वहाँ से नीचे आए तो सेकेंड रिब है। ठीक है, थोड़ा सा और लेटरल आए तो सेकेंड रिब है, वहाँ से नीचे आए सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, वहाँ से मिड क्लेविक्यूलर लाइन यानी कि जहाँ क्लेविकल आधी होती है उस जगह तक वहाँ आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इवन ये क्वेश्चन भी मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ, आपको फिर ये पॉइंट याद रहेगा कि आपके पास एक बच्चा प्रेजेंट करता है जिसको खेलते खेलते अचानक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, आपके पास आता है, आप उसको इमिडिएटली क्या प्रोसीजर करोगे, एक्सरे के लिए भिजवाओगे। मैंने कहा था नहीं भिजवाऊंगी, मैं उसकी नीडल थोरेकोटमी करूंगी, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में नीडल इंसर्ट करूंगी ताकि एयर निकल जाए। ऐसे लोगों के पास जो कह लें कि सेफ टाइम की विंडो होती है ना, वो बहुत कम होती है, अगर पेशेंट को एक्सरे के लिए भेज दो तो अक्सर डेथ भी हो जाती है। तो आपको पहला सबसे इमीडिएट स्टेप ये करना होता है सिम्टोमेटिक, मतलब एक पेशेंट जो सडन ऑनसेट, स्पेशली मिडिल एज यंग बॉय अगर आता है ऐसी कंडीशन के साथ, तो फौरन नीडल थोरेकोटमी करनी होती है ताकि नीमोथोरिक्स रिलीव हो सके। ज़रूरी नहीं है नीमोथोरिक्स किसी बड़े ट्रॉमा के बाद भी हो, अक्सर ये स्पॉन्टेनियस भी हो जाता है यंग लड़कों को। ठीक है, मिडिल एज लेटरल अप्रोच है यानी कि अगर आप साइड से इंसर्ट करें नीडल को थॉरिक्स में तो आप क्या रास्ता लेंगे, पेशेंट को लेटरल साइड पर यानी करवट पर लेटाया, फिर उसी तरह सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस आइडेंटिफाई की जैसे मतलब एक्सटर्नल एंगल से कोस्टल कार्टिलेज पे, वहाँ से सेकेंड रिब पे, फिर वहाँ से नीचे, ठीक है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में वहाँ से। लेकिन अब क्या करना है कि आपने इतना लेटरल आना है कि आप इंटीरियर एक्सिलरी लाइन तक आ जाएं, स्किन को आपने साफ किया स्वाब से, ठीक है, या पायोडीन से, उसके बाद लोकल एनेस्थीजिया दिया अपर बॉर्डर ऑफ थर्ड रिब पे। अब नीडल किस तरह गुजरेगी, किन स्ट्रक्चर से सबसे पहले स्किन को पेरस करेगी, ये क्वेश्चन आता हो जाए, ऐसे क्यों आता होता है। ठीक है, SEQ, ठीक है स्किन, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया में गुजरेगी, एंटीरियर अप्रोच में ना पेक्टोरल मसल्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेराटस इंटीरियर मसल है क्योंकि हम साइड की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल है, एंडोथ्रेसिक फेशिया है, और फिर पेराइटल प्लूरा है। ठीक है, नीडल जो है वो आपने अपर बॉर्डर ऑफ थर्ड रिब की तरफ रखनी है ताकि इंटरकोस्टल नर्व्स वेसल्स जो ग्रूव के अंदर है ना उनको इंजरी ना हो। ठीक है, उसके बाद ट्यूब थोरेकोस्टमी है, देखें ट्यूब से ओपनिंग बनाना, ये हम पहले बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं आपके PBL में, ये पेफर्ड साइड क्या है ट्यूब के इंसर्ट करने की, इसको हम ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी कहते हैं, वहाँ ये ट्यूब इंसर्ट की जाती है। ठीक है, इसके प्रोसीजर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत क्लिनिकल चीज़ है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखने का ये आपको पता हो कि कहाँ इंसर्ट करनी है और क्यों इंसर्ट करनी है। क्यों का जवाब ये है कि जब भी कभी प्लूरल कैविटी में बहुत ज़्यादा फ्लूड या पस अकोमोडेट हो जाती है तो उसको निकालने के लिए, जो नीडल से खाली नहीं निकल सकती उसके लिए ट्यूब डाली जाती है। ठीक है, तरीका ये है कि ऐसे जैसे पेशेंट इस पिक्चर में है ऐसे लिटाया जाता है, और क्या बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, पेक्टोरलिस मेजर का लेटरल एज लिखा हुआ है ना, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एंटीरियर मतलब साइड पर इसके पेक्टोरलिस मेजर का पोस्टीरियर बॉर्डर है, पीछे की तरफ लेटरल एज पर लेटस्मस टॉर्साई है, ऊपर बेस ऑफ एक्सिला और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इनके दरमियान ये जो जगह बन रही है ना यहाँ से नीडल इंसर्ट की जाती है। ये एरिया सेफ्टी ट्रायंगल इसलिए है कि यहाँ से अगर आप इंसर्ट होगे ना तो आप प्लूरा में ही जाओगे, यहाँ से लंग्स को रप्चर करने का चांस सबसे कम है इस वजह से। ठीक है, उसके बाद फिर थोरेकोटमी है, देखें अब जो ऑटमी वर्ड है ना ये भी वही है, ऑस्टमी ऑटमी इकट्ठे ही लिखते हैं। ठीक है, इसमें भी यही है कि आप सर्जिकल इंसिजन देकर स्किन में जाएं, ओपन थोरेकोटमी की पिक्चर आपको शो की, देखिए कैसा लेटरल इंसिजन देकर ऑब्लिक रिट्रैक्टर के थ्रू स्किन को सेपरेट किया हुआ जैसे स्टर्नम में सेपरेट किया था। ठीक है, इस केस में
क्या मतलब ये सजा उन केसेस में दिया जाता है जहां आप चेस्ट ट्यूब से मैनेज नहीं कर सकते ना, फिर आप थॉरिक्स को खोलते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद थॉरिक्स को बंद करने के लिए चेस्ट ट्यूब जरूर लगानी पड़ती है, क्योंकि जो आपने थॉरिक्स खोल के एयर अंदर भर दी होती है वो तो बाहर निकालनी है ना बाद में, ठीक है। लेकिन पहले मैनेज करने के लिए इंटरनल हेमरेजेस को आप चेस्ट को खोल सकते हो। इसमें भी फिर भी आपने देख लेना है कि किन सीक्वेंस में स्ट्रक्चर पेरस होंगे। अच्छा, एज के साथ साथ क्या एनाटॉमिक फिजियोलॉजिक चेंजेस आती हैं? रिब केज ज़्यादा रिजिड हो जाता है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है, क्यों? कैल्सिफिकेशन की वजह से। और इसी वजह से बूढ़े लोगों का एक्सरे भी यंग से थोड़ा डिफरेंट होता है, कैल्सिफिकेशन के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल कार्टिलेजेस ज़्यादा कैल्सिफाइड होती हैं, बोन के जैसी लग रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूप्ड पोस्चर, काइफोसिस जिसको कोप कहते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग झुक जाते हैं ना, क्योंकि उनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क और स्पेसिस इम्पैक्ट हो गई होती है, इस वजह से उनकी चेस्ट की कैपेसिटी भी कम हो चुकी होती है, इसलिए अक्सर सांस लेने के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा ये कि बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करने से और कम से कम यूज़ करने से उनके थॉरिक्स और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो वीक हो चुके होते हैं, इस वजह से उनकी रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स उस तरह एविडेंट नहीं होती। जैसे आप देखना कि कोई यंग बंदा सोया हो, यंग पेशेंट, तो वो सांस लेता हुआ आपको बहुत प्रोमिनेंट महसूस होगा, आप इजीली उसका रिस्पायरेटरी रेट काउंट कर सकते हो कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, लेकिन एल्डरली का नहीं कर सकते इतना इजीली, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लंग्स और ब्रोंकाई का इलास्टिक टिश्यू डिजनरेट हो जाता है, जिस वजह से प्रॉपर जो सांस एक्सपायरेशन की चीज़ है वो आपको पता नहीं चलती, आप इतना अप्रिशिएट नहीं कर सकते अनलेस यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जनरली रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स की एफिशिएंसी कम होने की वजह से ओल्ड एज में रिस्पायरेटरी डिजीज़ को टॉलरेट करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। इसी वजह से जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं यंग एज में इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन एडल्ट लाइफ में बहुत तंग होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ मेडियास्टिनम में ये बात है बच्चों को पता है कि मेडियास्टिनम जो है वो क्या है, बेसिकली वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक स्पेस है थॉरिक्स के अंदर जहाँ से स्ट्रक्चर्स मिड लाइन में पास करते हैं, ठीक है। वैसे ये मोबाइल होता है और लेकिन फिक्स्ड होता है, क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड है ना, तो इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक के एरिया को हमने मीडियास्टिनम कहना है ये बात फिक्स्ड है। लेकिन अगर लंग्स ज़रूरत से ज़्यादा जगह ले लेते हैं एक्सपेंड होकर किसी डिजीज़ की वजह से, या ट्रेकिया मिड लाइन से शिफ्ट हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये मीडियास्टिनम की डिफ्लेक्शन है। ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर लंग्स डिस्टर्ब हो जाए ना, तो अक्सर ये मिड लाइन जो स्पेस है ना, ये भी शिफ्ट हो जाती है ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। जैसे ये समझें कि ये पूरी कैविटी है ना, जैसे कैविटीज के सेंटर में मीडियास्टिनम है, यहाँ पर लंग्स हैं, अब लंग्स अगर जोर से ज़्यादा जगह लेकर इस पर प्रेशर डालना शुरू कर दें तो क्या पिक्चर बन जाएगी जी? मीडियास्टिनम ऐसे इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, इस तरह करके डिफ्लेक्शन ऑफ मीडियास्टिनम होती है, ठीक है। और इससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेशर पड़ जाता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स पर, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और शॉक या ब्लड वेसल्स के कंप्रेशन की वजह से शॉक की स्टेट में प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स। प्लूरल फ्लूइड आपको पता है नॉर्मली होता क्या है, कि सीरस पेरिकार्डियम से कह लें कि रिलीज होता है, और ये प्लूरा को लुब्रिकेट करता है ताकि लंग्स उसमें फाइनली फ्रीली मूव कर सकें। नॉर्मल क्वांटिटीज की इतनी है कि 5 to 10 ml होता है, यानी सिर्फ ये मॉइस्ट करें। अगर किसी डिजीज़ की वजह से जरूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, जैसे कि निमोनिया या ब्लड वेसल्स के कंजेशन से ये ब्लड वेसल्स में से फ्लूड ऊज आउट करके यहाँ जमा हो जाए, तो और ये फ्लूड इतना ज़्यादा हो जाए कि ये रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स को इम्पेक्ट करने लगे, तो उस कंडीशन को हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अगर 300 ml फ्लूड तकरीबन यहाँ जमा हो जाए ना, फिर हम इसको क्लिनिकली आप कह रहे हैं कि स्ट्रेच से भी सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्रेथ की साउंड कम है, क्योंकि वहाँ एक लिक्विड आ जाता है आपको साउंड सुनने में, जब आप सुनते हो ना स्ट्रेच से आपको एक्सपीरियंस होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये नॉर्मल लंग्स की एक्सपेंड होने का साउंड है कि नहीं, ठीक है। और उसके अलावा एक्सरे पे भी नज़र आने लग जाता है फिर कि यहाँ पर जो है ना लंग्स छोटा हुआ है, पूरा एक्सपेंड नहीं होता, क्योंकि एक्सरे भी ना एक प्रॉपर पोजिशन में किया जाता है, पूरा इंस्पायर करा के ब्रेथ होल्ड करवा के, ठीक। इसलिए जब आप देखते हो कि पूरा लंग्स एक्सपेंड था फिर भी उसने पूरी रिसेसिस को फिल नहीं किया, इसका मतलब है ज़रूर यहाँ पे कोई और फ्लूड होगा। तो इस तरह आप अपने साइंस से चीज़ों को क्लिनिकली रिलेट करते हो। अच्छा, उसका निमोथोरिक्स एम्फाइमा प्लूरल इफ्यूजन है, आसान लफ्जों में इसकी सारी बात है कि प्लूरल कैविटी में जब एयर अकोमोलेट होगी तो उसको निमोथोरिक्स कहना है, अगर वो पस होगी तो वो एम्फाइमा है, अगर फ्लूड होगा तो प्लूरल इफ्यूजन है, अगर एयर और फ्लूड मिक्स है तो वो हाइड्रो
नीमोथोरिक्स है, ठीक है। ब्लड और एयर मिक्स है तो हीमोनीमोथोरिक्स है। इस पे हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं पहले पीबीएल में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। इस पिक्चर में देखिए लंग्स जो है वो कोलैप्स करके यहाँ आ गया है, इस सारी कैविटी खाली पड़ी, जबकि दूसरी तरफ देखेंगे लंग का टिश्यू यहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, इसके लिए पहले मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि याद है मैंने बताया था कि जो राइट साइड वाला ब्रोंकस है, प्रिंसिपल मेन ब्रोंकस, वो वाइड भी है ज़्यादा, वर्टिकल भी ज़्यादा है और ज़्यादा डायरेक्ट कंटिन्यूशन ट्रैकिया की, इसलिए जो फॉरेन बॉडीज़ है ना वो ज़्यादातर राइट में इंटर होती हैं लेफ्ट की जगह। अब बच्चे जो हैं वो क्या क्या चीज़ें खा लेते हैं, कभी पिन, स्क्रू, नट, बोल्ट, पीनट्स खास तौर पर बच्चों के ब्रोंकाई में फंसती हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर यहाँ से ही नीचे छोटा सा कोई फॉरेन बॉडी हो ना, वो लंग के लोअर लोब को जाके ब्लॉक कर देगी और वहाँ निमोनिया कर सकती है, ठीक है। अब अगर वो बड़े साइज की चीज़ है, वो तो डायमीटर से बड़ी है, वो बाहर ही रुक जाएगी, लेकिन छोटी चीज़ जाकर स्टक कर सकती है, लोबार ब्रोंकस को ब्लॉक कर सकती है। तो उसको, उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है ब्रोंकोस्कोप, वो इंसर्ट करके देखते हुए इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, लंग ट्रॉमा के लिए आपको ये रिकॉल करना ज़रूरी है कि जो लंग्स हैं वो फर्स्ट रिब का जो अपर मार्जिन है उससे भी कुछ हद तक बाहर नेक में, रूट ऑफ नेक में प्रोट्रूड कर रहे होते हैं। इसी वजह से अगर कोई भी स्टैब वाउंड यानी चाकू का या बुलेट लगेगी इस एरिया में तो लंग्स भी इम्पैक्ट होंगे। वैसे जो थॉरिक्स वाला पोर्शन है वो तो वेल प्रोटेक्टेड है ना रिब्स के अंदर, लेकिन फिर भी कोई भी फ्रैक्चर्ड रिब या कोई ऐसी इंजरी जो इंटरकोस्टल स्पेसेस के दरमियान से पेनिट्रेट करे वो लंग्स को इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब थोरेसिक और ऊपर एब्डोमिनल विसरा की जो पोजीशन में चेंजेस आती है ना रिस्पायरेशन के साथ, जो डायफ्राम की मूवमेंट से विसरा की मूवमेंट होती है, उस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंजरी डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि देखेंगे अगर आप एक बंदे ने फुली इंस्पायर किया हुआ था उस टाइम उसको इंजरी होती है, तो उस टाइम उसके लंग्स ज़्यादा नीचे तक डिसेंड किए हुए थे और एब्डोमिनल विसरा ज़्यादा नीचे थे, तो चांस है कि उस लेवल पर इंजरी होने से थॉरेक्स के विसरा इंजर हो। लेकिन अगर एक पेशेंट को एक्सपायरेशन फेज में चोट लगती है एक स्पेसिफिक लेवल पर, तो हो सकता है उस टाइम वहाँ पर एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल विसरा थे। तो इसलिए किस फेज ऑफ रिस्पायरेशन में इंजरी हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि बच्चों लंग्स में जब इंजरी होती है ना, तो लंग्स में से एयर लीक होकर मीडियास्टिनम में जाती है, वहाँ से नेक में, ठीक है, वहाँ से ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी जा सकती है और एक कंडीशन कर देती है जिसका नाम होता है सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा, ठीक है। एयर अकोमोलेट हो जाती है, आसान लफ्ज़ों में जो लंग्स में से एयर निकलती है ना, वो जो स्किन के नीचे फैटी टिश्यू है ना उसके अंदर जमा हो जाती है और ऐसी पिक्चर बन जाती है स्वेलिंग। और आपको पता है ये इस तरह का बंदा हो जाता है कि अगर आप टच करो ना तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे पेपर को टच करते हो ना कड़कड़ाने वाली पत्तों की आवाज़, ऐसी आवाज़ आती है, ऐसे स्किन के नीचे, ऐसे आप जैसे वो बबल शीट होती है जिसमें चीज़ें रैप होके आती हैं ताकि ख़राब ना हो जाए, ठीक है, उस तरह उनको पॉप करने की जैसी आवाज़ आती है ना, इस तरह की आवाज़ आती है अगर आप ऐसे लोगों की स्किन को प्रेस करो तो, सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा वालों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेरिकार्डाइटिस है, आपको मैंने बताया था कि जहाँ ITIS सुफिक्स आएगा, ITIS उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन को पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। अब क्या होता है, इस कंडीशन में ज़रूरत से ज़्यादा पेरिकार्डियल फ्लूड कैविटी में अकोमोडेट हो जाता है और हार्ट की जो नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन है उसको इम्पेक्ट करता है, क्योंकि एट्रिया ज़्यादा थिन वॉल्ड होते हैं तो ज़्यादातर वो हार्ट की फिलिंग को इम्पेक्ट करता है एट्रिया के अंदर, ठीक है। इस तरह हार्ट को वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है कंप्रेस करके, और कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनाड, ठीक है। अब ये जो कार्डियक टेम्पोनाड है ना, ये स्टैब या गनशॉट वोंड की वजह से भी हो सकता है, जब हार्ट के चैम्बर मतलब किसी भी वजह से अगर पेरिकार्डियल फ्लूड ज़्यादा हो गया है, चाहे वो ब्लड शामिल होने से हो या खुद बनने से, ठीक है। इससे ये भी होता है कि जब फ्लूड अकोमुलेट होता है ना और वो ड्राई हो जाए, तो वहाँ पर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है ना, एक रब के जैसी आवाज़ आती है, तो वो आप स्टेट से सुन सकते हो, उसको पेरिकार्डियल फ्रिक्शन फ्रिक्शन रब कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन होता है पेरिकार्डाइटिस का, ठीक है। इवन अगर आप हाथ भी रखोगे ना चेस्ट पे जहाँ हार्ट होता है, तो आपको वहाँ पर रब जैसी आवाज़ आएगी, जैसे अंदर कोई चीज़ आपस में रब होती है, ठीक है।
उसके अलावा एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये तब होता है जब फाइब्रस पेरिकार्डियम इन्फ्लेमेशन की वजह से इतनी रिजिड हो जाए कि वो हार्ट को प्रॉपर डिस्टेंड ना होने दे। वैसे तो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती ही रिजिड है, जिसकी वजह से हार्ट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन अगर वो नॉर्मल मूवमेंट को भी इम्पेक्ट करने लगे तो उस कंडीशन को हम कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पेरिकार्ड अब इसका किया क्या जाए अगर ये हो जाए तो? स्किन के थ्रू, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पर नीडल इंसर्ट करके इस फ्लूड को एस्पायरेट किया जा सकता है, ये सक आउट किया जा सकता है। ठीक है, फ्लूड कम हो जाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी दोगे, ठीक हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसको कहते हैं कार्डियक पेन। ये जो क्लिनिकल नोट है बच्चों, ये पूरी थ्योरी पार्ट के डिस्कस करेंगे, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल चीज़ है। अच्छा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और मेटाबोलाइट्स का अकोमोलेट हो जाना जो है वो हार्ट की मायोकार्डियम या मसल टिश्यू को स्टिमुलेट करता है, और वो जो पेन होता है ना उसका मतलब उसको आप कंसीडर करते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया का पेन, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है। अब तरीका क्या है, ये जाता कहाँ से है? एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं कहाँ से? सिंपथेटिक ट्रंक के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, किससे? अपर फोर थोरेसिक नर्व से। ठीक है, उससे जाते हैं। और अब पेन जो है ना, ये किस तरह का हो सकता है? पहले एक चीज़ रिकॉल करवा दूं, जब हमने नर्व्स पढ़ी थी थॉरिक्स की, तो एक चीज़ डिस्कस की थी कि वैसे तो सिंपथेटिक नर्व्स जो हैं वो आपके कॉन्शियस मतलब आपको पता नहीं चलता वो कब स्टिमुलेट हो रही है, लेकिन अगर वो स्ट्रेच होता है या फिर इस्कीमिक पेन होता है तो वो ज़रूर आपको फील होता है, तो वो चीज़ इस केस में। ठीक है, अगर मसल टिश्यू को, हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही या मेटाबोलाइट्स अकोमुलेट होके वहाँ इस्कीमिया की वजह बन रहे हैं, तो ये पेन आपको ज़रूर फील होगा। और किन नर्व्स के थ्रू होगा? सिंपथेटिक नर्व्स के थ्रू। कौन सी वाली है? फोर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर रूट्स हैं अपर फोर थोरेसिक नर्व्स के। अब ये जो पेन है मायोकार्डियल इस्कीमिया का, ये क्रशिंग भी हो सकता है, जैसे कोई आपको चेस्ट को दबा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि हल्का फुल्का सी घबराहट सी आपको महसूस हो। ठीक है। अब ये जो दर्द है ना ये बच्चों, ये देखो, ये हार्ट अटैक का पेन हार्ट के अंदर फील नहीं होता, ये स्किन की वजह से होता है, क्योंकि हार्ट के अंदर पेन के रिसेप्टर्स नहीं। इसी तरह जो आपको सर का दर्द होता है ना बच्चों, वो बेसिकली ब्रेन का पेन नहीं होता, ठीक है, वहाँ के स्ट्रक्चर्स का दर्द होता है, क्योंकि इन विसरा के अंदर पेन सेंस करने की एबिलिटी नहीं है। ठीक। अब ये जो पेन है ये जा रहा कहाँ कहाँ पे? उन स्किन एरियाज में भी होगा जो अपर फोर इंटरकोस्टल नर्व से सप्लाई होती हैं, यानी कि चेस्ट का सारा फ्रंट जिसको प्रिकॉर्डियम कहते हैं, वो वाला एरिया जो हार्ट के आगे है चेस्ट का। ठीक है, वहाँ उसके अलावा क्योंकि वो ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ T2 इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व से कनेक्टेड है, इसी वजह से मीडियल साइड ऑफ आर्म में भी पेन जाएगा, उसके अलावा जॉ में भी फील होता है, नेक में भी अक्सर फील होता है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो इन्फीरियर या डायफ्रेगमेटिक सर्फेस ऑफ हार्ट पे हो ना, उस वजह से एपिगेस्ट्रियम में यानी कि एबडोमिन वाले पोर्शन में भी पेन होता है। ठीक हो गया। अब क्योंकि हार्ट और थोरेसिक पार्ट ऑफ ईसोफेगस जो है उनके तकरीबन सेम पेन के पाथवेज है ना, अक्सर ये होता है कि एक्यूट ईसोफेजाइटिस का दर्द बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हार्ट अटैक का दर्द हो। ठीक है, आपको याद है ना हमने वेगस नर्व के बारे में पढ़ा था, वेगस नर्व का रूट ये था कि वेगस नर्व जो है वो ईसोफेगस को भी स्टिमुलेट कर रही होती है, पहले लंग्स को करती है, ईसोफेगस को करती है, और उसके बाद स्टमक में चली जाती है, लेफ्ट वाली एंटीरियर साइड ऑफ स्टमक पर और राइट वाली पोस्टीरियर साइड पर। यही वजह है कि अक्सर जब ईसोफेगस का पेन होता है वो ऐसे ही लगता है जैसे हार्ट अटैक का पेन हो। ठीक है। अच्छा, अगर अब ये क्योंकि फिजियोलॉजी के क्लिनिकल नोट्स हैं इसलिए सिर्फ मैंने ये इंसर्ट किए हैं, इसके बहुत डिटेल्स इसमें मैंने मेंशन नहीं की, आप लोग पढ़िएगा, लेकिन अगर नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अब आपको पता है कि साइनोएट्रियल नोट जो है वो कार्डियक इम्पल्स जनरेट करता है, ए बी नोट क्या करता है? उसी कार्डियक इम्पल्स को जो कि एस ए नोट ने जनरेट की होती है उसको एट्रिया से पिक करता है, थोड़ा सा डिले करता है और ए बी बंडल के थ्रू वेंट्रिकल्स में भेज देता है। अगर ये वाला सिस्टम फेल हो जाए तो जो कंडीशन होती है उसको हम बंडल ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अगर जहाँ पे जिस लेवल पे ब्लॉक होगा वो वाला ब्लॉक कहलाता है, अगर बंडल ब्लॉक्स हुए तो कंप्लीट बंडल ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के दरमियान डिसकॉर्डेंस आ जाती है, यानी एट्रिया अपना एस ए नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और ए वी नोड अपना सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, इस वजह से जो कंडीशन थी उसको हम एरिदमिया कहते हैं कि हार्ट की जो कंट्रेक्शन है वो रिदम में नहीं रहती। अभी तक आपने पढ़ लिया होगा ना कि एस ए नोड से जो फायरिंग होती है उसका रेट 60 से 100 होता है,
अगर डिसकॉर्डेंस हो जाए तो ए बी बंडल यानी एस ए नोड काम करना बंद कर जाए, तो ए बी नोड काम करता है, ए बी नोड का जो कंट्रैक्टिंग रेट है पर मिनट वो 40 पर मिनट है। इसी तरह अगर वो भी फेल हो जाए तो परकिंजी फाइबर्स जो हैं वो 15 पर मिनट के हिसाब से कार्डिक एक्टिविटी को मेंटेन रख सकते हैं, अनलेस के एस ए नोड को बहाल ना कर दिया जाए। ऑटोमेटिकली भी हो जाता है थ्रू सी पी आर भी हो जाता है, थ्रू डिफिब्रिलेशन या इलेक्ट्रिक शॉक दे के भी हो जाता है। अब कमर्शियल कॉर्डिस क्या चीज़ है? आसान लफ्जों में ये कि अगर ब्लंट नॉन पेनिट्रेटिंग यानी ऐसा ग्लो लगे जोर का चेस्ट पे कि जो डीप अंदर पेनिट्रेट ना करे लेकिन बहुत प्रेशर वाला हो, तो वो अक्सर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और सडन डेथ कर सकता है, यानी वेंट्रिकल्स की जो एप्टेनिक कंडक्शन है उसको मुतासर कर सकता है। उसके इम्पॉर्टेंट ये है कि ये देखना कि कौन से फेज में वेंट्रिकुलर कंट्रेक्शन हो रही थी, ठीक है, क्योंकि अगर उस टाइम ट्रॉमा होता है तो हार्ट का सारा रिदम लॉस हो जाता है, तो किस पॉइंट से लॉस होता है ये इम्पॉर्टेंट है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो चोट लगी है वो आपके हार्ट के रिदम को डिस्टर्ब करती है कि नहीं। इससे ज़्यादा आपने डिटेल में इसकी नहीं जाना, मुश्किल हो जाएगा। आसान लफ्जों में ये है कि जब ये टी वेव स्टार्ट हो रही थी नहीं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, उस टाइम पे अगर इस तरह की इंजरी हो जाए तो सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। खासतौर पर बच्चों में जैसे कि हॉकी के पक आकर चेस्ट में लग जाए, बॉल लग जाए, बेसबॉल लग जाए, या अगर ब्लो आपने देखा होगा मूवीज़ में अक्सर दिखाते हैं अक्सर चेस्ट में जोर से पंच करने से सडन डेथ हो जाती है, तो आप सोचते होंगे हर एक ही तो नहीं होती, मे बी किसी ने ट्राई भी किया हो कभी, तो वो ये होता है कि डिपेंड करता है कि हार्ट कौन से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के कौन से फेज में था उस हिसाब से, ठीक है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करते हैं, आपको पता है कि मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई राइट और लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरीज से आती है। अब वैसे तो कॉरोनरी आर्टरीज के बहुत सारे एनास्टोमोसिस हैं लेकिन वो फंक्शनल एंड आर्टरीज होती हैं, यानी उनके बाद कोई वैसी मेन आर्टरी नहीं होती। अगर इनमें से कोई भी आर्टरी सडनली ब्लॉक हो जाए तो हार्ट का उस पोर्शन का नेक्रोसिस हो सकता है जिसको वो सप्लाई करती हैं, ठीक है, थीके? या फिर अगर कोई एकदम से क्लॉट बन जाए तो सडन ब्लॉकेज से हार्ट के उस पोर्शन की डेथ हो सकती है जिसको ये आर्टरी सप्लाई करती थी। अब वजह क्या हो सकती है? जनरल डीजनरेशन हो सकती है मायोकार्डियम की, और नैरोइंग हो सकती है कॉरोनरी आर्टरीज की जो कि सालों का प्रोसेस है। या अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर किसी बंदे का हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के बाद जाकर उसकी वेसल्स ब्लॉक होती हैं ना, तब तक उसकी कोलेट्रल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं कि वो मेन आर्टरी के ब्लॉक होने पे भी ब्लड सप्लाई कर सकें बगैर स्टेंटिंग या बाईपास के। लेकिन अगर किसी को सडन ब्लॉक हो जाता है ना, आपको याद है मैंने एनास्टोमोसिस पढ़ाते हुए बताया था कि एनास्टोमोसिस को इतना टाइम चाहिए होता है कि एडिकेटली फंक्शनल हो सके, ठीक है, तो इसलिए सडन ब्लॉकेजेस में एनास्टोमोसिस फंक्शनल नहीं होते, इसलिए जो रिस्क हैं जो इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर स्लो प्रोसेस हो, क्रॉनिक हो, लॉन्ग टर्म हो, तो उस टाइम तक क्लोलेट्रल्स इतने अच्छे डेवलप हो चुके होते हैं कि वो किसी भी किस्म के बड़े लॉस से बचा सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या चीज़ है? एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा कार्डिक पेन है जो एग्जर्शन पे यानी कि एक्टिविटी पे हो, रेस्ट पे आराम आ जाए। ये तब होता है जब मायोकार्डियल डिमांड और सप्लाई मैच नहीं करते ना, तो इस वजह से इस्कीमिक पेन होता है सिर्फ। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन तब होता है जब कॉरोनरी फ्लो सडनली कम हो जाए या बिल्कुल रुक जाए, मसल की नेक्रोसिस हो जाए, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन वो है जो मतलब टिश्यू की डेथ है। इस्कीमिया का मतलब है खाली ब्लड कम होना, वो रिकवर भी हो जाता है, लेकिन इंफार्क्शन तब कहते हैं जब टिश्यू की डेथ हो चुकी होती है, ठीक है। अब आपकी बुक में एक टेबल था जिसने ये बताया हुआ है कि हार्ट के किस हिस्से में अगर इस्कीमिया या इन्फार्क्शन हो तो ECG में कहाँ नज़र आएगा, तो वो है फिजियोलॉजी की चीज़ है, लेकिन चले मैं टेबल इसलिए इंसर्ट किया कि आपको पता हो कि उसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी में, कि जो वेसल ब्लॉक होती है उसमें स्टेंट डाल के उसको ओपन कर देते हैं, यानी कि समझें कि अगर ये एक वेसल है ना, इसके अंदर इतना सारा फैट जमा हो गया, जगह नहीं है, उसके अंदर स्टेंट डालते हैं। स्टेंट क्या करता है? इसको खोल देता है, ये अंदर जाके ना इस तरह खुल जाता है जैसे समझेंगे स्प्रिंग होता है, तो इस जगह को बढ़ा देता है इसके ल्यूमेन को, ठीक है। उसके अलावा अगर दूसरी सर्जरी की बात करें तो उसमें ये बाईपास करते हैं कि समझें ये एक वेसल आ रही है ना पूरी जो हार्ट को सप्लाई करती है, इस पॉइंट पे ये ब्लॉक हो गई है,
तो ग्राफ्ट कैसे लगाते हैं, ऊपर से लेके नीचे वाले हिस्से को कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये वाला पोर्शन इस्तेमाल ही ना हो। इसको कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। देखिए बाईपास है, असली रास्ते को बाईपास करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो क्लिनिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये आता है, इन्फीरियर वॉल MI ज़्यादातर पूछा जाता है, क्लिनिकल आपको पिक्चर्स में मिल भी जाता है, ठीक है। वैसे सारे ही आ रहे होते हैं लेकिन ये इन्फीरियर वॉल आ गया क्योंकि लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग ब्लॉक होती है अक्सर, तो आपको मिलता है लीड नंबर 2, 3 और AVF लीड में आपको ST एलिवेशन। अब आप ECG पढ़ेंगे तो आप ये समझ सकते हैं, सब है इसमें डिटेल, एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ाने वाली नहीं है। अच्छा, एन्यूरिज्म और कॉपरेशन ऑफ एओर्टा क्या है? एन्यूरिज्म सिंपल ये है कि ग्रॉस डायलिटेशन हो जाना एओर्टा की, यानी कि इस तरह के जैसे सैक बन गया है, ठीक है। जैसे कि अब क्ले के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आप अगर स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेच ही रह जाए, वापस ना होना, इस तरह की डायलिटेशन होना एओर्टा की इज एन्यूरिज्म फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर सुप्रास्टर्नल रीजन में पल्सेटाइल स्वेलिंग की तरह मिलेगी। कॉपटेशन का मतलब है नैरो हो जाना, और ज़्यादातर कंजेंटल नैरोइंग होती है एओर्टा की, ठीक है, उस जगह पे जहाँ लिगामेंटम आर्टेरियोजम अटैच होता है, ठीक है। वजह ये समझी जाती है, वो एमबीओ पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ना वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि बायोलॉजिकली एक ही वेसल होती है जिसमें डिवाइड होना होता है बाद में डिफरेंट वेसल्स बनाने के लिए। तो अगर वो अनइवन हो तो एओर्टा ठीक बन जाती है, पल्मोनरी ट्रंक छोटा रह जाता है, या पल्मोनरी ट्रंक अच्छा बन जाता है एओर्टा नैरो रह जाती है। तो वो उस वजह से बायोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से ये चीज़ आती है, ठीक है। क्लिनिकली क्या होता है, आपको क्या साइन मिलेगा कि जिस वाली मतलब आप कह लें कि ब्लड सर्कुलेशन की साइड की ज़्यादा मुतासर होगी, आपको फेमरल आर्टरीज में लोअर लिम में पल्सेस नहीं मिलती, ठीक है। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं दोनों लिम्स में, क्योंकि एक में ब्लड मतलब जहाँ से एओर्टा नैरो है जहाँ प्रेशर कम जा रहा है ना वहाँ पे आपको डिफरेंसेस स्पेशली ये होता है कि अपर लिम को जो ब्लड है वो कहाँ से जा रहा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा से जा रहा होता है। अक्सर जो कॉर्टेशन या नैरोइंग है ना ये थोरेसिक लेवल पे होती है। आपको पता है कि थोरेसिक से एब्डोमिनल बननी है और एब्डोमिनल से बननी है आगे एक्सटर्नल इंटरनल आइली का आर्टरी, और आगे से एक्सटर्नल आइली की ब्रांचेज है फेमरल। तो उससे पहले ही ब्रेकल से पहले का आर्टरी से और लेफ्ट सबक्लेवियन से अपर लिम की सप्लाई होगी। जब आप कंपेयर करते हो ना अपर लिम और लोअर लिम, तो आप अपर लिम में आपको पल्सेज मिल जाती हैं लोअर लिम में नहीं मिलती, तो उससे आपको पता चलता है कि कॉर्टेशन ऑफ एओर्टा है, कि थोरेसिक एओर्टा नैरो है इसलिए लेग्स में ब्लड नहीं जा रहा, लेकिन उससे पहले आर्च ठीक थी तो उसमें से ब्लड चला गया है अपर लिम्स को। देखिए ये जो पिक्चर देखी है ये कॉपटेशन नैरोइंग है एओर्टा की, और ये जो सैक बना है ना बच्चे ये एन्यूरिज्म फॉर्मेशन, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या, मैंने आपको बताया था ना कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपके कहने के राइट और लेफ्ट हार्ट कनेक्टेड होते हैं, इसलिए कि आपने लंग्स को बाईपास करना है, राइट हार्ट से ब्लड को लंग्स में नहीं जाना चाहिए, लेफ्ट हार्ट में चला जाना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है, और बॉडी को स्प्रेड करना है या सप्लाई करना है। इस वजह से एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान कनेक्शन होता है जिसको बाद में आप ब्रेथ फर्स्ट ब्रेथ लेते ही क्लोज कर दिया जाता है नेचुरली, और जो उसका कह लें कि बाकियात रह जाते हैं उसको लिगामेंटम आर्टेरियोजम कहते हैं। अगर किसी बंदे में ये डक्टस आर्टेरियोसिस या वो जो कनेक्शन एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान एग्जिस्ट करता था वो क्लोज नहीं होता, तो उस पर हमेशा शंटिंग या मिक्सिंग होती रहती है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। उसको हम तब कहते हैं कि उसका डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट है, पेटेंट मतलब अभी तक फंक्शनल है, तो वो नुकसानदेह होता है। वजह ये होती है कि अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने लगे नॉर्मल तो काम चल जाता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाए ना तो साइंस ऐसे आते हैं जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के होते हैं, ठीक है। इसका एक स्नैरियो भी था, एक क्वेश्चन था कि अनम नाम के स्टूडेंट है, उसने कॉलेज के एनुअल रेस में पार्ट लिया है, भागते भागते फेड हो गई है, तो फिर पता चलता है कि उसका फोरामेन ओवेल पेटेंट है। खैर ऐसे बता रही कि मिक्सिंग का सिनेरियो है ब्लड मिक्स होने का, तो यही होता है कि सप्लाई और डिमांड का जब इम्बेलेंस हो जाता है, जब तक वो नॉर्मल एक्टिविटी करती थी पता ही नहीं चला, लेकिन जब भागने से उसकी डिमांड बढ़ी तो पता चला कि उसके ब्लड की ऑक्सीजनेशन ही कम थी।
अच्छा, उसके अलावा ये कि रेनॉल्ड्स डिजीज, ये बच्चों कहते हैं ना कि उससे शू लगना अक्सर लोगों की जो है वो सर्दियों की वजह से भी और कुछ बीमारियों की वजह से भी ब्लड वेसल्स इतनी नैरो हो जाती हैं कि वो इस्कीमिया करने लग जाती है फिंगर्स का। तो अगर हम उनके सिंपथेटिक ट्रंक को डीएक्टिवेट कर दें, डीनर्वेट कर दें ना, तो जो सिंपथेटिक ट्रंक का या नर्व्स का कंट्रोल है ना ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट रखने पर, वो ख़त्म हो जाता है, वेसल्स खुद ब खुद डायलेट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो एडिकेट हो जाता है और ये कंडीशन ट्रीट हो जाती है। ठीक है, चेस्ट पेन जो है ना बच्चों क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत कॉमन सिम्टम है, आपके पास बहुत मरीज आएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि ये तो चेस्ट पेन है, इतनी सारी चीज़ों के साथ रिलेट होता है कि आपको उसको पिक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मतलब इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि ईसोफेगस का पेन हो, ये भी हो सकता है मस्कुलोस्केलेटल पेन हो, ये भी हो सकता है सबसे ज़्यादा ट्रांसकार्डिक पेन हो। ठीक है, तो अब आपको ज़रूरत ये है कि आपने पूरा इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। ठीक है, एक इसमें टाइप है सोमेटिक चेस्ट पेन की, ये कहाँ से आएगा, चेस्ट या एब्डोमिनल वॉल से, ये इंटेंस और लोकलाइज्ड है। ठीक है, आप बता सकते हो कहाँ पे है, ये ऊपर ऊपर बॉडी का पेन है। एक विसरल पेन है जो डीप फील होता है, आप इसको बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा होता है, ये सिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू पोस्टीरियर नर्व रूट से होता है, बस स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा होता है। ठीक है, तो रेफर्ड चेस्ट पेन क्या चीज़ है, रेफर्ड चेस्ट पेन ये फीलिंग है कि पेन कहीं और हो और वो फील कहीं और हो रहा हो। ठीक है, यानी कि जहाँ पर पेन को बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था वो वहाँ फील ना होना, किसी और जगह पर फील होना। तो ये सोमेटिक और विसरल दोनों स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, जैसे जो मायोकार्डियल पेन है वो अपर लिम में फील होता है ना, तो उसको कहते हैं ये रेफर्ड पेन है। ठीक है, तो उसकी आपको डर्माटोम्स पता होने चाहिए। अब आपको एक क्लिनिकल चीज़ बताती हूँ, जब भी कोई बंदा आपके पास चेस्ट पेन की कंप्लेन करेगा ना, अगर वो 40 ईयर्स से अबव है ना, तो आप मस्ट उसकी ईसीजी करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है हार्ट का मसला, आप उसको रूल आउट कर दो, उसके बाद फिर कॉमन चीज़ें रूल आउट होती रहेंगी, आपके पास फिर इतना टाइम होता है। लेकिन अगर वो कार्डिक इशू से आ गया तो इतना टाइम नहीं होता, अंडर 40 को भी करते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको फिर समझ आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछिए।